कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है तो क्या हम लोग उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो पाक तो नहीं होगा। जहाँ तक कुरान करीम की तिलावत का मामला है, जैसे हमने इब्तदाई गुफ्तगू में वादे कर दिया कि कुरान तमाम इंसानियत के लिए आया है, उसका ऐलान हुदल लिन्नास सारी इंसानियत के लिए, वो किताब हिदायत है, सरचश्मा हिदायत है, सहीफ़ हिदायत है, तो लिहाजा हर कोई बंदा कुरान करीम को पढ़ेगा। तो कुरान पढ़ने के लिए अगर कोई गैर मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम पहले ईमान का हुक्म देकर दीगर इबादात का उसको मुकल्लफ और पाबंद करता है। तो तहारत के नजाफत के जो उसूल है वो उन लोगों के लिए जो इस इस्लाम की बालादस्ती को कबूल कर चुके हों, रब वाहद को मान चुके हों, अकीदे रिसालत को अपने दिलों में जागुजी कर चुके हों, उनके लिए अहकाम है तहारत के, उनके लिए अहकाम है पाकीजी के, उनके लिए अहकाम है सारे के सारे आदाब की रियायत की। जो लोग इससे अभी वाकिफ नहीं हुए हैं, अकीदे तौहीद और रिसालत को उन्होंने अभी दिलों में बसाया नहीं है, उनके लिए भी रुजू हिदायत का पैगाम है। वो जिस हालत में भी हों, अगर कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो उनको कुरान करीम का नुस्खा देने से कोई बुमानत नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि अखलाकी नुक्ते नजर से कलाम मुकद्दस की अजमत और रिफत को बताते हुए उनको तहारत के साथ यानी सफाई के अहतमाम के साथ पढ़ने के लिए तलकीन की जाए। अगर उसके बावजूद अगर वो उसका अहतमाम न भी करते हों, लेकिन कुरान की बेकदरी ना हो, कुरान की तौहीन ना हो, उसको नामुनासिब लोगों पर ना रखें, इस तरह की उनके साथ तालीम देते हुए कुरान करीम रुजू हिदायत का पैगाम उनको दे सकते हैं और वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा। दुनिया की तारीख शाहिद है कितने गैर मुस्लिम लोग जो दानिशवर थे, अपने वक्त के मुदब्बिर थे, मुफक्किर थे, हर इल्मी दुनिया में उनका ऊंचा मकाम था, जब कुरान की तिलावत करने लगे, कुरान का नूर उनके दिल की तारीखी को दूर कर दिया, जिसके नतीजे में मुशर्रफ इस्लाम, इस्लाम की तारीख में इस तरह के नुफूस कुदसिया की काफी तवील फहरिस्त हमें मिलती है।